हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 5 लोक वित्त पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। 15 मई 2024 से इसके क्लासेस शुरू हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन प्री व्यापम बैच 2024-25। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, अध्याय 5 लोक वित्त। इस अध्याय 5 लोक वित्त के अंतर्गत हम बजट 2023-24 के संशोधित आंकड़ों को पढ़ते हैं। ध्यान समझिएगा, मैं पिछले वित्तीय वर्ष के बजट की बात कर रहा हूं, बजट 2023-24, ठीक है। पिछले साल के बजट के संशोधित आंकड़ों को हम पढ़ेंगे। इस साल जो आपको बजट पेश किया गया है वो है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25, और मैं यहां बात कर रहा हूं बजट 2023-24 के, यानी कि पिछले साल के बजट के। आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 5 लोक वित्त के अंतर्गत हम पिछले साल के बजट 2023-24 के संशोधित आंकड़ों को पढ़ते हैं। जैसे कि इस साल का जो बजट पेश किया गया था आपके फरवरी के महीने में, बजट 2024-25, तो जो बजट फरवरी के महीने पेश किया गया, और आपका वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, 1 अप्रैल से आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले सरकार जो है बजट पेश करती है, और अपने बजट में सरकार आगामी वित्तीय वर्षों में अपने खर्चों के अनुमान आंकड़ों को बताती है। यानी कि सरकार बताती है कि किन किन योजनाओं में अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी, किन किन विकासात्मक कार्यों में अनुमानतः कितना जो है खर्च किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अनुमानतः कितना खर्च किया जाएगा, कृषि क्षेत्र में कितना अनुमानतः खर्चा किया जाएगा। यानी कि अनुमानित आंकड़े जो है बजट में बताए जाते हैं, और जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है तो सरकार ने जो एग्जैक्ट खर्चा किया वो जो है अगले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में उसके संशोधित आंकड़े आते हैं, ठीक है। सरकार जो है अपने आगामी वित्तीय वर्ष का एक अनुमान लेखा जोखा बताती है कि कहां किन किन क्षेत्रों से पैसा आएगा और किन किन क्षेत्रों में हम पैसा खर्च करेंगे। और जब यह फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, तब सरकार क्या करेगी, इस साल जो बजट पेश किया गया 24-25, उसको अगले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में उसके संशोधित आंकड़े को उसमें जारी करेगी, ठीक है। तो अध्याय 5 लोक वित्त में हम पिछले साल के बजट के संशोधित आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो चीज आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान देना, एक चार्ट आपको समझाता हूं। सबसे पहले यह है बजट 2023-24, और यहां पर जो चार्ट बना हुआ है उस चार्ट को थोड़ा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले बजट होता क्या है, बजट सरकार के आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहा जाता है। सरकार के आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहा जाता है, यानी कि सरकार के पास किन किन स्रोतों के माध्यम से पैसा आ रहा है और किन किन क्षेत्रों में पैसा खर्च हो रहा है, इसकी लेखा जोखा को बजट कहते हैं, ठीक। बजट का मतलब सरकार को कहां कहां से कितनी राशि प्राप्त हुई, कुल प्राप्तियां, और सरकार के पास से किन किन क्षेत्रों में राशि खर्च हुई, कुल व्यय। तो कुल प्राप्ति और कुल व्यय वही है, आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहा जाता है। तो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार को कुल 1,21,500.73 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, ठीक है।
पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार को 1,21,500.73 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, जबकि सरकार का व्यय कितना रहा, 1,21,500.25 करोड़ सरकार का व्यय रहा। ठीक है, सरकार की आय कितनी रही, 1,21,500.73 करोड़ रुपए, और सरकार का व्यय रहा 1,21,500.25 करोड़ रुपए, यानी कि आय ज्यादा हुआ और व्यय थोड़ा कम हुआ। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहां पे 0.773 है और यहां पे 0.25 है, यानी कि सरकार के पास जितनी राशि थी उस बजट के अंदर ही सरकार ने व्यय किया। अब ये जो कुल प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियों को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, एक राजस्व प्राप्तियां और दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां। वैसे ही कुल व्यय को भी दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, आगे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब ये राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ये होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। दो तीन यहां पर टर्म लिख रहा हूं, एक होता है आपका वित्तीय देनदारियां, वित्तीय देनदारियां, दूसरा परिसंपत्तियां, परिसंपत्ति, और तीसरा होता है उत्पादन, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ठीक, वित्तीय देनदारियां, परिसंपत्ति और उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। वित्तीय देनदारियों का मतलब पैसों का लेन देन, ठीक है, पैसों का लेन देन यानी कि वित्तीय देनदारियां। परिसंपत्ति, परिसंपत्ति को आप समझ सकते हैं संपत्ति, प्रॉपर्टी, एसेट्स। ठीक है, जो आपकी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है, उसे आप परिसंपत्ति कंसिडर कर सकते हैं। और तीसरा होता है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक जमीन खरीदा, ठीक है, एक जमीन खरीदा, लैंड, वो जमीन जो आपने खरीदा वो क्या हुआ, वो आपकी संपत्ति या परिसंपत्ति हुई। ठीक है, क्या हुई, वो आपकी परिसंपत्ति हुई, और आपने उस अपने खरीदे हुए जमीन के ऊपर एक बिल्डिंग तैयार कर दिया, जिसके ऊपर आपने कुल 10 कमरे बनाए, और 10 के 10 कमरों को आपने किराए पर चढ़ा दिया, और हर महीने उन कमरों से मिलने वाले किराए से आपका क्या हो रहा है, आय हो रहा है, इनकम हो रहा है, यानी कि वो जो परिसंपत्ति है वो आपको इनकम जनरेट करके दे रही है, उत्पादन करके दे रही है, तो वो कहलाएगा उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। परिसंपत्ति तो है, लेकिन उस परिसंपत्ति के माध्यम से आपको एक आय मिल रहा है, एक इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो कहलाएगा उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। अगर आपके पास जमीन का टुकड़ा है तो आपकी संपत्ति हुई, उस जमीन के ऊपर आपने मकान बना दिया जिसमें 10 कमरे निकाल दिए, 10 के 10 कमरे से आपको किराया मिल रहा है, यानी कि एक फिक्स्ड इनकम वो आपको दे रहा है, तो वो कहलाएगा उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय को समझने के लिए इन सभी टर्म को यूज करेंगे। सबसे पहले राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिससे न तो सरकार के वित्तीय देनदारियों पर कोई प्रभाव पड़ता है और न ही परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव पड़ता है। अभी पहले डेफिनेशन सुन करके रख लीजिए, फिर आपको एग्जांपल दूंगा। सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे न तो सरकार के वित्तीय देनदारियों पर कोई प्रभाव पड़ता है और न ही परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव पड़ता है, इसे कहा जाता है आपका राजस्व प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां, सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे सरकार के वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है तथा परिसंपत्तियों में कमी होती है, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। अभी शुरू के दो ही टर्म को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। राजस्व प्राप्तियों का मतलब सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे न तो वित्तीय देनदारियों में प्रभाव पड़ेगा और न ही परिसंपत्तियों में कोई प्रभाव पड़ेगा, यह कहलाता है आपका पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत सॉरी राजस्व प्राप्तियां या राजस्व आय। ठीक, पूंजीगत प्राप्तियां, सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे सरकार के वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है तथा परिसंपत्तियों में कमी होती है, यह कहलाता है आपका पूंजीगत प्राप्तियां या पूंजीगत आय। अब अगर आपको मैं इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे कि
जब आप पहले छोटे थे, हर बार मैं यही एग्जांपल देता हूँ, जब आप छोटे थे आपके घर में कोई रिलेटिव आपके घर में मिलने के लिए आते थे, आपके मम्मी पापा से मिलने के लिए आते थे, तो घर में कुछ टाइम रुकने के बाद जाते समय वो आपको कुछ ना कुछ पैसे दे करके जाते थे, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, कुछ ना कुछ पैसा आपको दे करके जाते थे। तो वो पैसा क्या हुआ, वो पैसा जो है वो आपकी संपत्ति हो गई, ठीक है, वो पैसा आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ देखिए पूंजीगत आय में क्या कहा जा रहा है कि सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय, यानी कि वो जो छोटा सा बच्चा है क्या है, वो सरकार है, मान लीजिए वो छोटा सा बच्चा सरकार है, सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे न तो वित्तीय देनदारियों पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, ना ही परिसंपत्तियों पे कोई प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि जो मेहमान ने उस छोटे से बच्चे को पैसा दिया, तो इस पैसे को वो बच्चा बाद में फिर से अपने मेहमान को वापस लौटाएगा क्या? नहीं, मेहमान ने वो पैसा उस बच्चे को रखने के लिए दिया। तो यहां पर देनदारी वहीं पर स्टॉप हो गई, वहीं पर समाप्त हो गई। जहां पैसे का लेन देन होगा वो देनदारियां कहलाएगा, पैसा मिला पैसा वापस लौटाना है। लेकिन यहां पर मेहमान ने बच्चे को पैसा रखने के लिए दे दिया, यानी कि वित्तीय देनदारियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और बच्चे ने पैसे को रख लिया, बच्चे को पैसे को वापस लौटाना नहीं है, या उस पैसे के बदले में मेहमान ने बच्चे से कोई चीज की मांग की क्या? नहीं। कोई डिमांड की क्या? नहीं। तो बच्चे के संपत्ति पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हुई, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अगर पैसे के बदले में बच्चे अपने पास से किसी चीज को देता तो वो परिसंपत्ति पर प्रभाव पड़ता। तो मेहमान ने जो बच्चे को आप एक सरकार समझ लीजिए, मेहमान ने जो पैसा दिया उसे बच्चे ने अपने पास रख दिया, पैसे को वापस लौटाना नहीं है, यानी कि देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही बच्चे के परिसंपत्ति पर कोई प्रभाव पड़ा। तो यह कहलाता है आपका राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। सरकार जो है अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, अलग अलग टैक्स लगाती है, सभी को सरकार को टैक्स देना पड़ता है। सरकार उसके एवज में आपसे कोई दावा नहीं करती कि हम ये कार्य करेंगे। सरकार विकासात्मक कार्यों में खर्चे करती जरूर है, सड़क बनाएगी या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, लेकिन अपने मर्जी से। जैसे कि मेहमान ने बच्चे को 10 रुपये दिया, तो वो बच्चा उस 10 रुपये को अपने मनमर्जी से जहां खर्चा करना चाहे कर सकता है, बिस्किट खा सकता है, चॉकलेट खा सकता है, आइसक्रीम खा सकता है। वैसे ही सरकार जो टैक्स वसूलती है उसका कोई फिजूल खर्चा नहीं करेगी, आप ही लोगों के लिए जो है सड़कें बनवाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, विकासात्मक कार्य करेगी, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब आपको नहीं देती वो, ठीक है, या सरकार से आप जवाब नहीं मांग सकते कि आपने क्या किया करके। तो ये कहलाता है आपका राजस्व प्राप्तियां, सरकार को जो अलग अलग करों के माध्यम से जो प्राप्तियां प्राप्त होती है, ठीक है, टैक्स के माध्यम से जो इनकम होती है। दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां, सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है तथा परिसंपत्तियों में कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में आपने टीवी देखने के लिए गए, ठीक है, एक टीवी देखने के लिए गए, आपको एक टीवी पसंद आ गया, आपके जेब में है 40,000 रुपये, कितना है 40,000 रुपये, और उस टीवी की कीमत है 50,000, और आपको वही टीवी लेना है। आप जो है टीवी खरीदने के लिए अपने किसी एक दोस्त के साथ गए थे, ठीक है, आपके पास 40,000 है, टीवी पसंद आया 50,000 को, आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपये उधारी मांगा। क्या मांगा? उधारी, कि तू मुझे अभी 10,000 रुपये दे दे टीवी खरीदने के लिए, एक महीने बाद मैं ये 10 का 11,000 रुपये तुझे वापस करूंगा, लेकिन मुझे ये टीवी खरीदना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने दोस्त से जो 10,000 रुपये लिए, ये अभी आपके जेब में आया, यानी कि ये क्या है, ये भी आपकी आय है, इनकम है, क्योंकि ये पैसा अगले एक महीने तक के लिए आपके पास है, एक महीने बाद ही आपको अपने दोस्तों को लौटाना है, तो अभी तो ये पैसा आपका है, आप जैसा खर्चा करना चाहे वैसा खर्चा कर सकते हैं। तो जो 10,000 रुपये आपने लिया उसे इस शर्त पर लिया कि अगले एक महीने बाद मैं 10 का 11,000 रुपये यानी कि 10% ब्याज के साथ तुझे वापस लौटाऊंगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वित्तीय देनदारियों में वृद्धि हो रही है, पैसा आपने लिया, पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, पैसे का लेन देन बढ़ा, ठीक है, वित्तीय देनदारियों में वृद्धि हुई तथा परिसंपत्तियों में कमी हो रहा है, एक महीने बाद यही 10,000 रुपये 11,000 रुपये के तौर पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 10,000 के बदले में 11,000, यानी कि 1,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 10%। तो यहां पे आपका 1,000 रुपये परिसंपत्ति में कमी आई, ठीक,
ये कहलाता है आपका पूंजीगत प्राप्तियां। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ सरकार जो है 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी कर रही है। केंद्र सरकार ने अपना अलग न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त जो राशि गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट राज्य के किसानों को देगी, उसका पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं। आरबीआई से जाकर के ऋण लेगी, उधार लेगी, और उस उधार को गवर्नमेंट को बाद में आरबीआई को चुकाना है एक ब्याज के साथ। ठीक है, एक ब्याज के साथ चुकाना है, यानी कि उधार लिया है, बाद में इस उधार के पैसे को कुछ प्रतिशत ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। तो यह कहलाता है पूंजीगत प्राप्तियां। समझ रहे कि नहीं? आपको मालूम है ना, प्रदेश सरकार ने जो है 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की है। अब 3100 रुपए केंद्र सरकार ने अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके रखा था। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो कीमत है वो केंद्र सरकार किसानों को देगी। जो अतिरिक्त राशि है 3100 रुपए पूरा करने की, उस अतिरिक्त राशि को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को देना होगा। अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जेब में पैसे नहीं है, तो वो करेगी क्या? आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास जाकर के ऋण लेगी। ठीक है, आरबीआई के पास जाकर के वो क्या लेगी? उधार लेगी। उधार कि हमें अगले एक साल के लिए पैसा उधार चाहिए। ठीक है, तो ये जो उधार का पैसा है वो भी गवर्नमेंट के जेब में आया अगले एक साल के लिए, तो गवर्नमेंट की आय हुई ना। अगले एक साल के लिए इस उधार के पैसे को जैसा खर्च करना चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन इससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि हो रही है और परिसंपत्तियों में कमी आ रही है, क्योंकि आरबीआई ने कोई ना कोई परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही ये पैसा दिया है, जिसे लौटाना पड़ेगा और कुछ ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया? ये देखिए, अभी पहले इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां आगे दो पार्ट में क्लासिफाइड होती है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति, गवर्नमेंट को कुल प्राप्तियां हुई 121,500.73 करोड़ रुपए, जिसमें से राजस्व प्राप्ति रहा 106,000 करोड़ रुपए और पूंजीगत प्राप्तियां रही लगभग 15,500 करोड़ रुपए। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां 106,000 करोड़ रुपए और पूंजीगत प्राप्तियां रही 15,500 करोड़ रुपए। अब ये जो राजस्व प्राप्ति है, ये आगे भी दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है। एक होता है कर राजस्व और दूसरा होता है गैर कर राजस्व। कर राजस्व और गैर कर राजस्व नाम से ही स्पष्ट है। कर राजस्व, कर टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाली आय। ठीक है, कर राजस्व का मतलब जो सरकार अलग अलग प्रकार की जो टैक्स लगाती है, यानी कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, सीमा शुल्क, आपका बिक्री शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, जीएसटी, तो ये अलग अलग करों के माध्यम से जो सरकार को जो इनकम जनरेट होती है, ये कहलाता है आपका कर राजस्व। और दूसरा है गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व का मतलब होता है करों के अलावा जो सरकार को आय की प्राप्ति होती है वो कहलाता है गैर कर राजस्व। ठीक है, करों के माध्यम से जो प्राप्त होगी वो कहलाएगा कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू। और जो करों के अलावा, ठीक है, करों के अलावा जो सरकार को आय होगी वो कहलाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि गैर कर राजस्व। अब ये क्या होता है? इसके अंतर्गत ब्याज अदायगी, निवेशों से प्राप्त लाभांश, अनुदान, ये सभी के सभी आते हैं। ठीक, ब्याज प्राप्तियां का मतलब सरकार, जैसे मान लीजिए किसानों को सरकार लोन देती है, अल्पकालीन ऋण तो 0% ब्याज दर पर देती है, लेकिन अल्पकालीन के अलावा दीर्घकालीन ऋण देती है, उद्यानिकी में ऋण देती है, लाख की खेती के लिए ऋण देती है, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में ऋण देती है, किसी में 2% 3% जो है ब्याज दर निर्धारित रहता है। तो सरकार ने जो पैसा बांट के रखा है वो पैसा अब ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये क्या है? ब्याज है, न कि कर है। टैक्स अलग होता है, ठीक है, करों से प्राप्त राजस्व कर राजस्व, करों के अलावा ब्याज के रूप में पैसा प्राप्त हो रहा है। निवेशों से प्राप्त लाभांश, सरकार ने जो है अलग अलग निवेश करके रखे पैसा। फॉर एग्जांपल, सरकार ने एक बिल्डिंग बना दी है, एक ताप विद्युत संयंत्र बना करके रखा है, उस ताप विद्युत संयंत्र से उत्पादित होने वाली बिजली को जो है आम जनता को बेच रही है, दूसरे सरप्लस बिजली को दूसरे राज्यों को बेच रही है, तो उससे सरकार ने जो उस ताप विद्युत संयंत्र के ऊपर निवेश किया था, अब उससे जो लाभ प्राप्त हो रहा है, ये क्या है? गैर कर राजस्व। उसके अलावा अनुदान,
अनुदान का मतलब देखिए, एक होता है उधार या ऋण और दूसरा होता है अनुदान। उधार का मतलब सरकार को जो पैसे मिले उसे सरकार को वापस लौटाने हैं। अनुदान का मतलब होता है सरकार को जो पैसा मिला उसे सरकार को लौटाने की जरूरत नहीं। जैसे कि अभी हम बीच में पढ़े थे चौक परियोजना, चौक परियोजना जो कि छत्तीसगढ़ में जो कोविड 19 के दौर पे जो आपका शिक्षा का स्तर गिर चुका था उसे पुनः मुख्य धारा में लाने के लिए विश्व बैंक ने एक फंड अलॉट किया था, छत्तीसगढ़ को अनुदान दिया था। कुपोषण के क्षेत्र में जो है विश्व बैंक अनुदान देता है, केंद्र सरकार अनुदान देती है, तो ये भी जो पैसे हैं वो सरकार के जेब में आते हैं, ठीक। तो ये कहलाता है आपका गैर कर राजस्व। करों से प्राप्त होने वाले राजस्व कर राजस्व, करों के अलावा प्राप्त होने वाले राजस्व गैर कर राजस्व। तो जो छत्तीसगढ़ की कुल राजस्व प्राप्तियां रही 106,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 72,800 करोड़ रुपए करों से प्राप्त हुआ है और आपका 33,200 करोड़ रुपए करों के अतिरिक्त करों के अलावा प्राप्त हुई राशि है, ठीक है। टैक्स के माध्यम से 72,800 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ, जबकि टैक्स के अलावा 33,200 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, ठीक। अब देखिए ये जो 72,800 करोड़ रुपए है ना, इसमें से सर्वाधिक जो योगदान है वो राज्य का स्वयं का कर राजस्व का है, ठीक है, राज्य के स्वयं का कर राजस्व। देखिए कुछ टैक्स या कुछ कर ऐसे होते हैं जिसे केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है, केंद्र सरकार लगाती है और उसे वसूलती है। फॉर एग्जाम्पल आपका यही आयकर, इनकम टैक्स, निगम कर, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, सीमा शुल्क, ये सभी के सभी केंद्र सरकार लगाती है और उसको वसूलती है। बाद में जो है आपका जो वित्त आयोग है वो केंद्र का हिस्सा और राज्य के हिस्से का बंटवारा करके राज्य को उसका हिस्सा देता है, ठीक है। अगर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में कोई टैक्स लगाती है और उसको वसूलती है तो केंद्र सरकार उसमें से कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ सरकार को देती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार भी, केंद्र सरकार ने टैक्स लगाया उसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार भी छत्तीसगढ़ में कुछ टैक्स लगाती है और उसे वसूलती भी है। अगर इसका आपको मैं एग्जाम्पल दूं तो यहां देखिए, ये सभी के सभी राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स है। राज्य जीएसटी, बिक्री कर वैट, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, भू राजस्व, बिजली पर कर और शुल्क, ठीक है, जो टैरिफ रेट निर्धारित होता है बिजली बिल में उसकी बात हो रही है, ठीक। तो केंद्र सरकार अगर कर लगा रही है, टैक्स लगा रही है और उसे वसूल कर रही है, तो जो वसूला गया जो राशि है छत्तीसगढ़ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राशि वसूल करी है टैक्स से, तो उसका कुछ हिस्सा वो छत्तीसगढ़ सरकार को देगी। लेकिन इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार भी छत्तीसगढ़ पर टैक्स लगाती है। कौन कौन सा? राज्य जीएसटी, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, भू राजस्व और बिजली पर कर और शुल्क, ये सभी टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? राज्य के स्वयं का कर राजस्व, यानी कि राज्य ने खुद कर लगाया, खुद वसूला और उससे जो राशि प्राप्त हुई। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि आपका जो कर राजस्व है, इस कर राजस्व में केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार का भी राजस्व है और राज्य के स्वयं का कर राजस्व है। तो दोनों में से राज्य का स्वयं का कर राजस्व का योगदान सर्वाधिक है, यानी कि आपका 72,800 करोड़ रुपए में से 50% से ज़्यादा, 52.20% योगदान किसका है? राज्य के स्वयं के कर राजस्व का है, ठीक है। यानी कि राज्य सरकार ने जो खुद से कर लगाया, खुद से वसूला, उसकी भागीदारी ज़्यादा है इस कर राजस्व में, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गैर कर राजस्व, अच्छा ये जो कर राजस्व है, इस कर राजस्व में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, यानी कि अगर हम 2023-24 की बात कर रहे हैं तो उसके पिछले साल यानी कि 22-23 पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.73% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आंकड़े को याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के कर राजस्व में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित है, ठीक है। तो ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व है 33,200 करोड़ रुपए। इस 33,200 करोड़ रुपए में से राज्य का गैर कर राजस्व सर्वाधिक है,
ठीक है, राज्य का जो स्वयं का गैर कर राजस्व है वो सर्वाधिक है। गैर कर राजस्व यानी कि सरकार को जो ब्याज प्राप्ति हुई, जो सरकार ने लोन बांट करके रखा था, जो लाभांश प्राप्त हुआ, सरकार ने जो निवेश करके रखे थे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे जो सरकार को जो लाभ मिला, ठीक है, अनुदान मिला। तो देखिए इसमें जो है योगदान जो है दो प्रकार से होता है, एक तो केंद्रीय अनुदान और दूसरा राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व। तो इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में जो गैर कर राजस्व है उसमें सर्वाधिक योगदान राज्य के स्वयं के गैर कर राजस्व का है। पिछले दो तीन साल के आर्थिक सर्वेक्षण में केंद्रीय अनुदान सर्वाधिक होता था, लेकिन इस बार ये बदल गया है। राज्य का जो स्वयं का कर राजस्व है, गैर कर राजस्व है, वो है 54.82%। ठीक, इसे याद करना है। तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, समझ में आया? ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत मुख्यतः उधार, ऋण, ठीक है, जो लोन होता है, ये सभी चीजें आती है पूंजीगत प्राप्तियां। यानी कि सरकार ने जो उधार लिया एक साल के लिए, दो साल के लिए, पांच साल के लिए, तो पांच साल के लिए वो पैसे सरकार की आय कंसिडर होगी। ठीक, अब दूसरा आता है आपका व्यय। सरकार का कुल व्यय रहा 121,500.25 करोड़ रुपए। व्यय को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब मैंने आपको जो तीन टर्म बताए थे उसमें से वित्तीय देनदारियां आपको समझ में आ गया और परिसंपत्तियां समझ में आ गया। तीसरा होता है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति, इसका ही मैंने आपको एग्जांपल बताया था। अगर आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है, कोई लैंड है, तो वो क्या कहलाएगा? आपकी परिसंपत्ति कहलाएगी। और उस लैंड के ऊपर आपने एक बिल्डिंग बना दिया जिसमें 10 कमरे निकाल दिए, उस 10 कमरे से आपको एक आय मिल रहा है, इनकम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? उस लैंड से क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, यानी कि उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ठीक, देखिए राजस्व व्यय सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिससे उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति, किसी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। ठीक है, सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिससे किसी भी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। पूंजीगत व्यय सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिससे उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है। यानी कि सरकार के पास पैसा आया, अब सरकार उसे खर्च करेगी। दो प्रकार से खर्च कर सकती है, एक या तो वो उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन करे, कहीं पर निवेश कर दे और उससे सरकार को आय मिलता रहे, और दूसरा होता है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन न करना। अब इसका अगर आपको एग्जांपल दूं तो देखिए सरकार जो है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भारत छत्तीसगढ़ के नागरिकों को पैसा देती है। जैसे कि अभी महतारी वंदन योजना के माध्यम से सरकार पैसा दे रही है, ठीक है, लोगों को पैसा दे रही है महतारी वंदन योजना के माध्यम से। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से सरकार पैसों का वितरण कर रही है, और भी जो है बहुत सारी योजनाएं चल रही है। ठीक है, अभी आपका वो श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया गया, तो इन सभी योजनाओं में सरकार के पास से पैसे खर्च हो रहे हैं, व्यय हो रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सरकार ने जो व्यय किए महतारी वंदन योजना में या फिर आपका श्री रामलला दर्शन योजना में, उससे सरकार को बाद में कोई लाभ हो रहा है क्या, या कोई उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये कहलाता है आपका राजस्व व्यय। अब देखिए राजस्व व्यय कितना था, 102,501 करोड़ रुपए, जबकि पूंजीगत व्यय किया गया 18,660 करोड़ रुपए। तो जो राजस्व व्यय है इसे आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, योजनागत व्यय और दूसरा गैर योजनागत व्यय। यानी कि सरकार के पास जो राजस्व व्यय है उस राजस्व व्यय की राशि में से सरकार उसे योजना बना करके खर्च कर सकती है और दूसरा बिना योजना बनाए भी इसे खर्च कर सकती है। योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय नाम से स्पष्ट है, योजनाबद्ध तरीके से व्यय और गैर योजनाबद्ध तरीके से व्यय। अगर इसका हम एग्जांपल लें तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है, साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ये सभी के सभी उसमें आते हैं। ठीक है,
योजनागत व्यय, जैसे कि महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना में सरकार के पास आंकड़े थे कि लगभग 70-72 लाख से ज़्यादा महिलाओं को हम इतनी राशि प्रदान करेंगे, यानी कि सरकार के पास मालूम है कि उनके जेब से कितनी सारी महिलाओं के अकाउंट में पैसा जाएगा। आंकड़ा उनके पास है, 70-72 लाख से ज़्यादा महिलाएँ हैं, उन सभी के अकाउंट में पैसा जाएंगे, ठीक है। श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कि लगभग कितनी आबादी को दर्शन करवाना है, वो आंकड़ा उनके पास है, ठीक है। तो सरकार जो योजनाएं जो बनाती है, उस योजनाओं में कितने लाभार्थी होंगे, कितने हितग्राही होंगे, हर एक हितग्राही के ऊपर कितना खर्चा होगा, प्रति हितग्राही की दर से सरकार कुल कितना खर्च करेगी उस योजना में, उसका सरकार योजना बनाती है और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करती है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्रदेश से गरीबी हटाने के लिए भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है, उसमें भी उनके हितग्राहियों के आंकड़े उनके पास है, योजनाबद्ध तरीके से व्यय करती, ठीक है। साक्षरता स्कूल के क्षेत्र में, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, सरकार जो खर्चे करती है, यानी कि सरकार के पास अपने खर्च का एक अनुमान आंकड़ा रहता है कि अगर हम इस योजना में खर्चा करेंगे तो कितनी राशि उसमें व्यय होगी। और दूसरा होता है गैर योजनागत व्यय। गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत ब्याज अदायगी, सब्सिडी, प्रतिरक्षा सेवा, आपातकालीन सेवाएं होती है, यानी कि बिना किसी योजना के सरकार के जेब से पैसे खर्च हो जाते हैं। आपातकालीन सेवाएं, जैसे कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ के किसी हिस्से में आपका बाढ़ आ गया, लगभग जो है उसमें 50-60 गांव उस बाढ़ के चपेट में आ गए, तो उनके लिए जो राहत कार्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, उसके बचाव के लिए जो कार्य किया जाएगा उस गांव के लोगों के लिए, तो सरकार वहां पर खर्च नहीं करेगी। सरकार को मालूम था क्या कि बाढ़ आने वाला है उस जगह में और वहां पर इतने लोगों की जान माल की हानि होगी, ये जानकारी सरकार को नहीं थी। तो सरकार योजना कैसे बना सकती है? तो अचानक से आपातकाल आया, सरकार को उसमें खर्च करना पड़ा, ये था गैर योजनागत व्यय, ठीक है। प्रतिरक्षा सेवा, अगर हम भारत का एग्जाम्पल लेकर के चले, हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इंडिया, भारत का एग्जाम्पल हम लेकर के चले, अचानक से मान लीजिए POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसके सीमावर्ती क्षेत्र में अचानक से तनाव की स्थिति आ गई, तो भारत सरकार को सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी वहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा। उस सेना को लेकर के जाने का खर्चा, उनको वहां पर रखने का खर्चा, खिलाने पिलाने का खर्चा, युद्ध लड़ेंगे तो उसमें जो यूज होने वाले गोला बारूद बंदूक, ठीक, ये सब के खर्चा सरकार की जेब से जाएगा। तो POK में जो तनाव की स्थिति आई, ये पूर्व निर्धारित थी क्या? नहीं थी। तो सरकार के जेब से कितना व्यय हुआ, ये योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो सकता। सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी में जो सरकार पैसे देती है, ब्याज अदायगी, सरकार ने जो ऋण लिया था RBI से, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में कई बार जो है ब्याज के दर बढ़ जाते हैं, कई बार ब्याज के दर कम हो जाते हैं, तो ये भी पूर्व निर्धारित नहीं होती ब्याज अदायगी भी। तो ये आता है आपके गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा होता है पूंजीगत व्यय, सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिससे उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत सरकार क्या करती है, सरकार के पास समझ लीजिए एक शासकीय भूमि है, गवर्नमेंट भूमि है उसके पास, सरकार के पास, उस शासकीय भूमि के ऊपर उसने एक आपका ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, आपका थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर दिया। अब उस थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुरू हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को सरकार ने कुछ लोगों को बेचा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सप्लाई किया, और जो सरप्लस जो बिजली थी उसे आसपास के राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसमें बेच दिया। तो सरकार के पास जो खाली पड़ी जमीन थी उसमें सरकार ने और निवेश करके और व्यय करके उस पर जो है एक ताप विद्युत संयंत्र बना दिया। अब वो ताप विद्युत संयंत्र क्या है, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन, यानी कि उसमें जो उसने ताप विद्युत संयंत्र बनाया वो उसे उत्पादन करके देगा, रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो ऐसे किए जाने वाले व्यय जो है ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं, और पूंजीगत व्यय था 18,660 करोड़ रुपए, ठीक है। ये चार्ट समझ में आया, ये चार्ट जो है ये मैंने बनाया हुआ है, इतने इजिएस्ट वे में आपको इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मिलेगा, ठीक।
तो ये सारे आंकड़ों को आपको याद करना है। गैर कर राजस्व 33,200 करोड़ रुपए, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 1.38% की वृद्धि दर्ज हुई। सर्वाधिक योगदान रहा राज्य के स्वयं के गैर कर राजस्व का। कर राजस्व था 72,800 करोड़ रुपए, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.73% की वृद्धि हुई। सर्वाधिक योगदान रहा राज्य के स्वयं के कर राजस्व का। ठीक, अब जो हमारा पहले पेज में बचा हुआ था उस पर मेन फोकस करते हैं। देखिए बजट अनुमान 2023-24, इसमें हम राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय को देखेंगे। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय इसमें कंसिडर नहीं करते। तो ये जो राजस्व प्राप्ति है वो कितना है, 106,073 करोड़ रुपए, और राजस्व व्यय रहा 102,500.70 करोड़ रुपए। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 3503 करोड़ रुपए। अगर ये माइनस में रहता, निगेटिव रहता, तो ये राजस्व घाटा कहलाता, लेकिन ये क्या है, ये पॉजिटिव में है। ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव धनात्मक है, यानी कि राजस्व आधिक्य कहलाएगा। सरकार के राजस्व प्राप्तियों में जो अनुमानित वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में सरकार के राजस्व प्राप्ति में 8.27% की वृद्धि दर्ज की गई, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार के राजस्व प्राप्तियों में कुल कितने प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई, 8.27% की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्ति कितना है, 106,000 करोड़ रुपए। ठीक है, डेसिमल के बाद का इसमें नहीं लिखा है, 106,000 करोड़ रुपए। इस राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व है 72,800 करोड़ रुपए का, जबकि गैर कर राजस्व है 33,200 करोड़ रुपए। ये जो कर राजस्व है, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 68.68% है। ठीक है, यानी कि 106,000 करोड़ रुपए में से 68.68% हिस्सा किसका है, कर राजस्व का है। 72,800 करोड़ रुपए, यानी कि जो 72,800 करोड़ रुपए क्या है, 106,000 का 68.68% हिस्सा। प्रश्न पूछा जाएगा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो 68.68% अनुमानित है। ठीक, अब इसमें जो है केंद्रीय करों से प्राप्त राजस्व और राज्य का स्वयं राजस्व, मैंने आपको बताया था केंद्रीय कर और आपका राज्य के स्वयं का कर। केंद्रीय करों से प्राप्त राजस्व तो इसका अंश है, देखिए 72,800 करोड़ रुपए में से केंद्रीय करों से 34,800 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ, जबकि राज्य ने स्वयं कर लगा करके जो स्वयं कर वसूला उससे 38,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, दोनों में से ज़्यादा है ये 38,000 और ये है 34,800, तो ये राशि ज़्यादा है, सर्वाधिक योगदान इसका ज़्यादा है। ये जो आपका कर राजस्व है, कर राजस्व में केंद्रीय करों से प्राप्त राजस्व में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 7.55% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि राज्य के स्वयं के करों से जो प्राप्त कर राजस्व है उसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 15.85% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक, ये जो आपका कर राजस्व है 72,800 करोड़ रुपए, इस कर राजस्व में केंद्रीय करों से प्राप्त राजस्व जो है उसका योगदान है 47.80%। 72,800 करोड़ में 47.80% भागीदारी केंद्रीय करों की है। ठीक है, कितना, 34,800, जबकि कुल कर राजस्व 72,800 करोड़ में 52.20% हिस्सेदारी किसकी है, राज्य के स्वयं के करों से प्राप्त राजस्व की, कितना, 38,000 करोड़ रुपए। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व है 33,200 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्रीय सहायता से प्राप्त अंश है 15,000 करोड़ रुपए, जिसका योगदान है 45.18%, जिसमें वृद्धि ना होकर के कमी दर्ज हुई है। ठीक है, ये क्या है, निगेटिव है,
कमी दर्ज की गई है। इस कारण से ये जो आपका चार्ट था, ये वाला चार्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य के गैर कर राजस्व सर्वाधिक रहा, वरना हर साल जो है यहां पर केंद्रीय करों से केंद्रीय सहायता जो प्राप्त राशि है वो सर्वाधिक रहता था, वो रह गया है 45.18%, जबकि राज्य के स्वयं का कर राजस्व 54.82% है। ठीक, इस आंकड़े को आपको याद रखना है। गैर कर राजस्व 33,200 करोड़ रुपए, केंद्रीय सहायता से प्राप्त अंश 15,000 करोड़ रुपए, जो कि कुल गैर कर राजस्व का 45.18% है, जिसमें इस बार कमी दर्ज की गई 10.45% की। ठीक, अब देखिए, राज्य के स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख स्रोत, जो राज्य के स्वयं के कर राजस्व की बात कही गई थी, उस राज्य के स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख स्रोत कौन कौन से है, राज्य GST। ठीक, जैसे कि मैंने बताया, केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ पर कुछ कर लगाया जाता है और उस कर की वसूली की जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार भी स्वयं छत्तीसगढ़ पर कर लगाती है और उस कर की वसूली करती है। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स इंप्लीमेंट करती है छत्तीसगढ़ के ऊपर, उसको वसूलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार का हिस्सा भी उसे देती है। और ये हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स की और वसूले जाने वाले टैक्स की। तो राज्य के स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख स्रोत कौन कौन से है, यानी कि जो राज्य सरकार खुद लगा रही है, खुद वसूल रही है, खुद रख रही है, राज्य GST, बिक्री कर और वैट, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर लगने वाला टैक्स, राज्य उत्पाद शुल्क, भू राजस्व, बिजली पर कर और शुल्क। तो छत्तीसगढ़ जो है, ये छत्तीसगढ़ के में जो मुख्य कर स्रोत है वो है राज्य GST। राज्य GST से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14,028 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ, बिक्री कर और वैट से 7,900 करोड़ रुपए, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से 2,500 करोड़ रुपए, वाहन पर कर से 1,900 करोड़ रुपए, राज्य उत्पाद शुल्क से 6,700 करोड़ रुपए, भू राजस्व के तौर पर 1,200 करोड़ रुपए, और आपका बिजली पर कर और शुल्क से 3,700 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। प्रश्न पूछा जाएगा, राज्य के स्वयं के कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, ऑप्शन सी भू राजस्व शुल्क, ऑप्शन डी राज्य GST। तो सर्वाधिक योगदान किसका है, 14,028 करोड़ रुपए के साथ राज्य GST राज्य के स्वयं के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और आपको कैसे पूछ सकता है कि राज्य को, राज्य के स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख स्रोत नीचे दिए गए हैं, उनसे प्राप्त होने वाले कर राजस्व के आधार पर उसे अधिक से न्यूनतम के क्रम में जमाइए, अधिक से न्यूनतम के क्रम में जमाइए। उसमें आपको ऑप्शन ए दे देगा भू राजस्व, ऑप्शन बी दे देगा बिक्री कर एवं वैट, ऑप्शन सी दे देगा आपका स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, ऑप्शन डी दे देगा आपका, यानी कि चार आपके लाइन से दे देंगे, कौन कौन, राज्य उत्पाद शुल्क। अब इसे बोलेगा आपको अधिक से न्यूनतम की ओर जमाइए, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बी, ठीक है, भू राजस्व सॉरी बिक्री और वैट कर, उसके बाद आएगा आपका सी स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, उसके बाद आएगा आपका डी क्या है, राज्य उत्पाद शुल्क, और सबसे लास्ट में आएगा आपका ए भू राजस्व शुल्क। तो इसे जो है, जो प्राप्त राजस्व है उसके आधार पर व्यवस्थित कीजिए, क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए, ऐसे करके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ होता है आपका अध्याय 5 लोक वित्त समाप्त। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।